मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग वीडियो होने वाला बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग वीडियो बनने वाला दोस्तों, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम जो है बकरा मंडी के दोस्तों टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, और आपको एक न्यू बकरा मंडी के बारे में दोस्तों बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि जो है अभी इस समय जो है सारी बकरा मंडी दोस्तों बंद चल रही है, और दोस्तों एक न्यू बकरा मंडी खुली है दोस्तों। आज उसी के टॉपिक पर दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, और आपको दोस्तों उस बकरा मंडी के बारे में बताएंगे दोस्तों। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है चौरे बाजार बकरा मंडी की है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हमने यूज किया है दोस्तों आपको दर्शाने के लिए दोस्तों, बकरा मंडी को जानकारी बताने के लिए दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके जानकारी बताते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो है चौरे बाजार में जो बकरा मंडी लग रही थी वो अभी इस समय पूरी तरीके से बंद चल रही है। और चौरे बाजार दोस्तों आप लोग मत जाइए, वहाँ पर शॉपिंग वगैरह जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो है बकरा मंडी ही बंद चल रही है, तो आप कहाँ से शॉपिंग करेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक बकरा मंडी लग रही है दोस्तों, जो अमेठी ज़िले में लग रही है दोस्तों, जो रानीगंज के नाम से दोस्तों ये बकरा मंडी बहुत ही मशहूर है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पर जो है आप जा सकते हैं और रानीगंज में, और वहाँ पर दोस्तों आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों बकरे और बकरियाँ मिल जाएंगे दोस्तों शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ से आप दोस्तों शॉपिंग कर सकते हैं और रानीगंज बकरा मंडी से दोस्तों। अगर दोस्तों जो है आप हलियापुर पहुँच जाते हैं दोस्तों, हलियापुर से दोस्तों आपको 19 किलोमीटर दोस्तों जाना पड़ेगा, रानीगंज पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों आपको जो है बकरा मंडी मिल जाएगी रानीगंज में दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस बकरा मंडी है। आप किसी से भी दोस्तों पूछेंगे दोस्तों आपको बता देगा कि बकरा मंडी कहाँ पर लग रही है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जगदीशपुर से होते हुए आते हैं तो आप जगदीशपुर से दोस्तों 5 किलोमीटर दोस्तों आपको पड़ेगा जो है रानीगंज दोस्तों, और रानीगंज बकरा मंडी। तो वहाँ पर दोस्तों आप जा सकते हैं और अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों एड्रेस की, आप जो है किस तरीके से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बात करें दोस्तों कि जो है किस दिन बकरा मंडी लगती है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है शनिवार के दिन दोस्तों यहाँ पर बकरा मंडी नहीं लगती है। यहाँ पर दोस्तों जो है रानीगंज में दोस्तों जो है अमेठी ज़िले में दोस्तों रानीगंज की जो बकरा मंडी है दोस्तों, वो जो है दोस्तों आपको जो है मंगलवार के दिन दोस्तों देखने को मिलेगी दोस्तों बकरा मंडी। बकरा मंडी दोस्तों यहाँ पर जो है मंगलवार के दिन लगती है, और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों शॉपिंग करने के लिए दोस्तों, और बकरा बकरी खरीदने के लिए बेचने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो वीडियो स्क्रीन पर चल रही है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों जो है चौरे बाजार बकरा मंडी की है दोस्तों। सिर्फ आपको दोस्तों जो है समझाने के लिए दोस्तों ये इस वीडियो का यूज किया गया है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो पे मत जाना, जो कुछ दोस्तों जानकारियाँ इसमें बताई गई हैं वो जानकारियाँ दोस्तों सही हैं दोस्तों, और दोस्तों इस पर आप जो है भरोसा करके आप दोस्तों बकरा मंडी में जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एड्रेस बताया कि आपको दोस्तों जो है जगदीशपुर पहुंच जाना है, जगदीशपुर से दोस्तों आपको 5 किलोमीटर पड़ेगा दोस्तों रानीगंज। अगर दोस्तों आप हलियापुर से जाते हैं तो दोस्तों आपको जो है 19 किलोमीटर दोस्तों रानीगंज पड़ेगा। वहां पर दोस्तों आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको दोस्तों बकरा मंडी मिल जाएगी दोस्तों। तो यही था दोस्तों वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, तो फिलहाल जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।